हेलो बच्चों, आज हम लोग पेज 99 और 100 पे पढ़ेंगे। पेज 99 और 100 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि लाइक डेसिमल क्या है, अनलाइक डेसिमल क्या है, इक्विवेलेंट डेसिमल कैसे हम लोग ये करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें और कुछ भी पढ़ा था कि कैसे जो है उसका पॉइंट, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स में कैसे बदलेंगे, इन सब चीजों को, कैसे कोई कॉमन फ्रैक्शन रहेगा तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इन सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कन्वर्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। ओके, जैसे अगर 2.7 रह रहा है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना हो तो कैसे करेंगे। 2.7 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10/10। कोई दिक्कत, कोई डाउट, 10 से 10 कट जाएगा फिर 2 ही बच जाएगा, तो इसको 10 के फॉर्म में ला दिए प्लस, फिर इसको 0.7 अगर लिख दे तो 0.7 को जैसे ही पॉइंट इसका जाएगा तो इसको हटा में 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10, 2 डिजिट है तो 20 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 20 अब प्लस 7/10, 27/10 ऐसे इसको लिख सकते हैं। 2 × 10/10 कोई डाउट नहीं, प्लस 7/10 डेसिमल में रहेगा तो 10 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 20 प्लस 7/10 27/10। अगर हम लोगों को वैसे नहीं करने आता हो तो भी इसका एक तरीका है, 2.7 है तो 27 यहां लिख देंगे और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 पे 10 डाल देंगे 27/10। इसको चाहे तो मिक्स में चेंज करना हो अगर तो 2 whole 7/10 कर लेंगे। कैसे, तो देखो 27 10 से डिवाइड करेंगे 2 जा 27 आएगा रिमाइंडर, तो ये तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा, ये डिवाइडर हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसका कन्वर्शन कर देंगे। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन हो और उसको डेसिमल में चेंज कर देना तो चेंज करने का एक तरीका है वो देखो। जैसे क्वेश्चन है 179/100, मैंने बताया था कि इसका कोई अलग से फालतू दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। 179 है और उसका डिनोमिनेटर 1 पे 00 है, 179 लिखेंगे और 1 पे 0 है तो इधर से 20 है तो 2 डिग्री के बाद डेसिमल देते, अगर 3 रहता तो यहाँ देते, अगर 40 रहता तो यहाँ 0 देते, तब डेसिमल देते। तो ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर, तो ये तुम्हारा हो गया। अगला एक है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये हो गया। अब हम लोग का एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एज लाइक अनलाइक। जैसे 2.9, 3.6, 8.1, 9.8, 10.5 ये है, और इसको लाइक है कि अनलाइक है ये बताना है। तो डेसिमल के बाद इसमें सब एक डिजिट है तो ये क्या है, ये जो है लाइक है, लाइक डेसिमल। इस तो बच्चे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो है अनलाइक से लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे 88.91, 16.124, 1.935 और 293.21, ये जो है अनलाइक
हम इसे लाइक में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? तो क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है और कितना डिजिट है। तो 3 डिजिट 2 डिजिट और 4 डिजिट, यानी कि सबसे जो ज्यादा है 3 डिजिट है डेसिमल के। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम लोग डेसिमल के बाद का जो सारे डिजिट्स हैं उसको 3 डिजिट बना दें तो लाइक बदल जाएगा। तो इससे यह होता है कि इसको यहाँ एक जीरो डाल देंगे, ये 3 डिजिट है और यहाँ एक जीरो डाल देंगे, ये लाइक में तुम्हारा कन्वर्ट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग को देखना है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन। जैसे ये 18.96 है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना। तो 18.96 और बाय 100 हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दें या इतना ही रहने दें, तो इसका आंसर जवाब हो जाएगा। इसको जरा नोट करो तो बच्चे, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा कॉमन फ्रैक्शन। इस तरह से कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन हो उसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इस तरह से चेंज कर देंगे। उसके बाद तुमको मिलेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 299/100 अगर करता हूं, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, सॉरी ये जो है कॉमन फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर देना हो तो तुरंत क्या करोगे, 2999 लिखोगे, बना लेना। ओके, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें कैसे ऐड करना है वो चीज हम लोगों को देखना है। ऐड कैसे करते हैं, एडिशन टू डेसिमल फ्रैक्शन, क्या है इसका टॉपिक का नाम, एडिशन टू डेसिमल एडिशन टू डेसिमल फ्रैक्शन। इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, जैसे इसका पहला ही क्वेश्चन देखो ऐसे रहता है 7.5 2.3, इसको ऐड कर देना हो तो 5 3 8 डेसिमल है तो यहां पर डेसिमल दे देंगे 7 2 9, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये रहता है जैसे एक दूसरा देख लो 5.321, फिर 4.1 रहता है 2.56, इसको ऐड कर देना 7.1617, 5.7, 3.2, 5 डेसिमल है यहाँ, डेसिमल के सामने लिख देंगे 5.491, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एडिशन हम लोग कर लेंगे। अगर नहीं रहता है और जो डली रहता है क्वेश्चन उसको कॉलम में सजा कर लिखना हो तो तुम लोग ऐड कर दोगे। जैसे ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ऐड 7.78 and 0.259, 5. ये रहता है, इसको ऐड करना है। तो पहले एक बात देखो बच्चे, पहले लाइक में बदल देंगे इसको, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसको भी 3 डिजिट कर देंगे, इसको भी 2 जीरो डाल के 3 डिजिट कर देंगे। अब देखो 7.3780, ये है 9.52 डेसिमल है 0, फिर इसको देखो 0.02 है 5, इन सब को ऐड कर देंगे कॉलम में सजा करके, ऐड करने आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा 9.85 13 carry 1 1 7 8 2 10 2 12 carry 1 1 3 4 5 9
9 लगाएंगे 8 5 13 वेरी गुड 7 1 8 2 10 2 12 कैरी और डेसिमल दे देंगे और फिर 3 1 4 5 9 7 इतना इसका आंसर है। तो ऐसे सजा करके लिखने आ जाएगा। अगर हमको डिफरेंस निकालना है सब्ट्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शंस कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन रहता है 6.7 ओके 2.3 सब्ट्रैक्ट करना है, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 4 डेसिमल है तो डेसिमल 6 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 4, ऐसे इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स इसका, जैसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 31.4 माइनस 8.7 लिया, तो पहले तो इसको सजा देंगे 7.8 माइनस करेंगे 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कह लेंगे 14 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 7 डेसिमल में डेसिमल लगा देंगे 0 हो जाएगा तो 30 में से 8 गया 20, तो इस तरह से इसका आंसर ए आ जाएगा। अगर हम लोगों के पास और भी जैसे क्वेश्चन है 305.375 माइनस 112.6 ऐसे रहता है तो पहले इसको बताएंगे 305.375 पहले इसको लाइन में बदल देते हैं, ये डबल जीरो डाल देंगे लाइन में हो जाएगा डेसिमल है डेसिमल डालेंगे 2 1 1 1 1 2.6 डबल जीरो लाइन में हो गया, ये इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट इधर भी था इधर 1 डिजिट था तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट डाल दिए लाइन हो गया, लाइन करने के बाद इसको सजा देंगे और सजा करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 7 13 में से 6 गया 7 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9 2 में से 1 हुआ 5 7 कैरी लेंगे 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 7 डेसिमल है डेसिमल दे देंगे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 यहां कुछ नहीं बचा 10 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9 2 1 में से 1 ओके तो ये तुम्हारा सब्ट्रैक्शन भी हो गया। तो बच्चे अब हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी फ्रैक्शन को, ये चीज है। तो देखो बड़ा ही आसान तरीका है इसको बनाने का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा डेसिमल का, तो बच्चे देखो पहला क्वेश्चन जैसे रहेगा 23.25 2 भी रह सकता है, तो स्टूडेंट्स पहले इसको बॉटम में ऐसे लिख देंगे 5 5 का 25 का 5 carry 2 5 का 10 10 का 2 12 का 2 carry 1 5 3 का 15 1 16 का 6 carry 1 5 3 का 10 1 11 अब इधर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ पे ऐसे 2 डिजिट के बाद, अगर यहाँ भी डेसिमल रहता तो ये डेसिमल यहाँ हो जाता 2 डिजिट इधर का और 1 डिजिट इधर का तो 3 डिजिट के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम लोग यहाँ डेसिमल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम लोग डेसिमल को भूल जाएंगे, पहले जनरल जो मल्टीप्लीकेशन है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेसिमल काउंट कर लेंगे कितना उनके बाद टोटल डेसिमल हो रहा है,
तो अगर टू डिजिट हो रहा है तो टू डिजिट के बाद राइट साइड से काउंट करके दे देंगे। तो इस तरह से होता है। अगर हमारे पास जैसे 947 ऐसे 100 रहता है तो इस टाइप का मल्टीप्लाई बड़ा आसान है करना, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, ये 947 हो जाएगा इसका आंसर। 2 डिजिट है ना, तो डेसिमल इधर भागेगा, है ना, तो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। जैसे ये रहता 2.10 तो ये 257 हो जाएगा। डेसिमल राइट साइड मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल राइट साइड इधर भागता है, ठीक है। 10,000 इससे मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड किया जाएगा तो इधर भागेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखो, तो नोट कर लिए, होमवर्क में ले लो तुम लोग पेज 101 और 102 और 99 और 100 तो पहले दिए थे तुम लोगों को बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन की, तुम लोग बना लेना इसका पेज नंबर 104 ट्राई करना, इतना बनाने का, इतना का मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर से एक बार बताएंगे कैसे स्टेप से 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा आज दिखा दिया मल्टीप्लिकेशन का, अगले क्लास में देखा जाएगा क्या छूट रहा है उसको बताया जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।